नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, जो भी समय है अभी। हाँ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। आई होप कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, सेफ रही होगी। चलिए, तो हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में, नीट में कौन से हमारे टोटल तीनों पार्ट्स को मिलाकर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें, अगर हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दें तो हम 130+ के आसपास उन गिने चुने चैप्टरों से ही पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन देखो, अपना टारगेट उतना नहीं है, टारगेट तो उतना ही है जितने नंबर का आने वाली है केमिस्ट्री। 50 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, है ना, जिसमें 45 आपको करने हैं, तो टारगेट वो नहीं है। टारगेट तो पूरा ही है, लेकिन अगर मान लो समय की कमी है या ऐसा कुछ भी है उसके लिए कि वो कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज जो है ज्यादा है एग्जाम के अंदर, या जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या जिन चैप्टर्स को हमें बहुत गहराई से डिटेल में बढ़िया उनकी प्रैक्टिस उनकी करनी चाहिए, उन चैप्टर्स की बात हम लोग करेंगे, है ना। उन्हीं चैप्टर की बात करेंगे जिनका वेटेज ज्यादा है। सिलेबस तो अपने को पूरा पता ही है। चलो, उससे पहले मैं आपको एक बार ऐप के दर्शन करा दूं कि आप लोग जैसे पहले जानते हो, कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। जिसने अभी तक की हुई है डाउनलोड उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं की है वो सभी लोग प्ले स्टोर पर जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए और रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल रहे हैं। प्री कोर्सेज में जो नीट वाला सेक्शन है वहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो सभी के जो पीडीएफ है, क्लास के पीडीएफ है, वो भी आप सभी लोगों को ऐप पे मिल रहे हैं। तो ऐप तो डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, तो सब लोग ऐप को डाउनलोड कर लो। जिसने नहीं किए हैं, जो अभी हाल ही में एक दो दिन में जुड़ा है हमसे, वो सभी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए। दूसरी बात, आपके पीडीएफ के अलावा ऐप के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ फ्री भी हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी हो रही है उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही सस्ते जो कोर्सेज हैं, बढ़िया और शानदार फैकल्टीज के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं वहां पर, तो आप लोग वहां देख सकते हो जाके, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, लाइव पेड कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज के साथ, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्विज हैं, जॉब अलर्ट हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं, किसी भी लेवल पर जो भी जॉब निकल रही है उन सभी के नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे। और एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, एग्जाम कब होने वाला है, जो भी जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन सरकार के द्वारा आती है आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है रिपोर्ट कार्ड के साथ, टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस हैं, फ्री फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज हैं, प्री एग्जाम वाइज पीडीएफ्स हैं, डेली वीकली मंथली करंट अफेयर्स है जो वहां पर अपलोड होते हैं, आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो जाकर। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप एक बार सभी से, मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके उसको खंगालिए, जहां आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी या कुछ भी डाटा अपना बर्बाद किया है, है ना। डाउनलोड करने में तो बहुत कुछ है, बहुत सस्ता है, है ना। बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं वो बहुत सस्ते हैं, और इतने सस्ते कोर्सेज आपको मार्केट में कहीं मिलने वाले नहीं है, जितने सस्ते कोर्सेज एग्जामपुर की तरफ से आप लोगों को दिए जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए, है ना। तो एक बार सब लोग देखिए। और उसी के साथ दिवाली के उपलक्ष्य में, जो कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट कोर्सेज आपको ऐप पर या एग्जामपुर की तरफ से दिए जा रहे हैं उन सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है दिवाली के उपलक्ष्य में, है ना। जिसके लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना है दिवाली 75, DIWLI75। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है परचेज करने के लिए कोर्स को, और इसकी वैलिडिटी जो है वो 27 अक्टूबर तक है। तो ये जो मौका आप लोगों को मिला है इतने सस्ते कोर्सेज का, तो उसको बिल्कुल भी क्या करना है, बिल्कुल भी हाथ से निकलने नहीं देना है। जाइए, सब लोग डाउनलोड करो फटाफट से, और जो भी आपके आसपास गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए सबको। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पहले तो देखिए अपने पास कितना है, अगर हम बात करें अपने, तो टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, है ना। दो सेक्शन में मिलेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल। कुल मिलाकर अपने पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीन पार्ट है केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और अभी तक हम लोग फिजिकल के भी कई सारे चैप्टर कर चुके हैं, है ना। दो टीचर्स की क्लासेस होती हैं आपकी केमिस्ट्री की, और उन दोनों में मिलकर काफी सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिकल के तो बहुत सारे हो गए, बची ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में भी हम लोग कई सारे चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग रहा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला रहा, फिजिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर रहा, इन सभी को हम लोग निपटा चुके हैं।
उसके बाद अगर पहले चलो एक बार सिलेबस पे नजर डाल लो पूरा का पूरा, थोड़ा सा हल्के से वेटेज के साथ। इलेवंथ क्लास की अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो इलेवंथ वाली है उसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, 17% के आसपास वेटेज होता है नीट के अंदर। और टॉपिक वाइज वेटेज आप लोग देख सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज 5%। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि मैं ही पेपर बनाने वाला हूँ या मैंने ही पेपर बनाया, ये एक रफ आइडिया है प्रीवियस ईयर के पेपर से देख कर कि कहां से कितने सवाल बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगले साल भी ऐसे ही है, एक रफ आइडिया बस, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 5% आएगा तो मोल कॉन्सेप्ट में से 5% वेटेज आएगा, ये दो सवाल आएंगे जरूर, हो सकता है एक भी ना आए या हो सकता है चार आ जाए, एक रफ आइडिया बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सारे चैप्टर्स हैं आप सभी का एक रफ वेटेज देख सकते हो, और ये वेटेज प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनको एनालाइज करके उनमें कहां से कितने सवाल आ रहे हैं वहां से बनाया गया है। तो थोड़ा सा तो रफ चल ही सकता है आने वाले एग्जाम में भी, है ना, आइडिया कुछ तो हो ही सकता है आगे भी। इनऑर्गेनिक का देखें तो 22% के आसपास वेटेज होगा, इसमें केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा है, और इस चैप्टर को तो मैं हाई वेटेज यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मतलब ये अगर ये नहीं आता चैप्टर तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला, केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ आपको यही नहीं, इनऑर्गेनिक में भी सब जगह, इनऑर्गेनिक तो है ही, ऑर्गेनिक में भी आपको बहुत फायदा देने वाला टॉपिक है। तो ये तो पढ़ने वाली चीज है, इसको तो पढ़ने ही निचोड़ने वाला टॉपिक है। पी ब्लॉक एलिमेंट रहे, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं है इसका कुछ भी, हाइड्रोजन नहीं कुछ नहीं है, एस ब्लॉक का भी नहीं होता इतना, एस और पी ब्लॉक दोनों मिलाकर आप लोग मैक्सिमम, दोनों चैप्टर्स की अगर बात करें, हम दोनों की ही बात कर लें तो एस और पी ब्लॉक मिलाकर 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस की उम्मीद आप लोग कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इलेवंथ की ऑर्गेनिक की बात करें तो इलेवंथ की ऑर्गेनिक का कोई वेटेज नहीं है, बस मैं एक जीओसी को छोड़ दूं, अगर जीओसी को हटा दूं, अब जीओसी के अंदर बहुत कुछ है, जीओसी के अंदर आपके सारे रिएक्टर इंटरमीडिएट्स आ गए, सारी की सारी रिएक्शन मैकेनिज्म आ गई, जितनी भी रिएक्शंस की टाइप है वो सब की सब आ गई, सब सब जीओसी के अंदर आ गए। तो यहाँ तो आप सिर्फ जीओसी को लेकर चलो, उसके अलावा और कुछ नहीं है, है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन पार्बन ये तो छोटी मोटी चीज है। ट्वेल्थ की बात करो तो ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्वेल्थ वाला पोर्शन ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन यानी कि एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कभी कभी सवाल फंस जाता है नाइट्रोजन वालों से, अमीन, पिरिडीन वगैरह जो है उनसे, एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाता है कभी कभी, एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना आपकी जो नेम रिएक्शन है, फ्रीडलग्राफ रिएक्शन है, सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड कौन 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 सा एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कल जो रूल है उस पर सवाल बन जाते हैं आगे। ये तो कंप्लीट सिलेबस था, है ना, आईयूपीएससी पर अभी हम रिसेंटली पढ़ ही रहे हैं, आइसोमेरिज्म भी पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने भी पढ़ी नहीं है, उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो अलग एक चैप्टर है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, या किसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, केमिकल काइनेटिक्स और सोल्यूशन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन वाले चैप्टर का हिस्सा है हालांकि, है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी को कहूंगा इन दो चैप्टर्स को। तो अब अगर ओवरऑल बात करें, क्या करें, ओवरऑल बात करते हैं, मान लीजिए हम, मैं सबसे पहले बात करता हूँ ऑर्गेनिक की, क्या फिजिकल की बात है, फिजिकल छोड़िए, फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनको ज्यादा गहराई के साथ, मतलब अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए, वो चैप्टर आपके सोल्यूशन यानी कि विलयन, मतलब जिन चैप्टर को पढ़ना ही सब है, ऐसा नहीं है कि चार लिखे तो चार ही पढ़ लिए, बस पढ़ने सारे हैं, इनका वेटेज ज्यादा है, बस इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम तो अभी पढ़ ही रहे हैं, केमिकल पढ़ चुके हैं, तो इक्विलिब्रियम माने दोनों वाला पार्ट, दोनों पार्ट केमिकल भी और आयनिक भी, केमिकल भी और आयनिक भी दोनों हिस्से। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको फिजिकल में गिनते हैं कभी कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं तो इसे इनऑर्गेनिक का हिस्सा मानता हूं वैसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन चार चैप्टर को अगर हम पढ़ें तो इनका अच्छा खासा वेटेज, मतलब ये आप मान के चलो कि 8 से 10 सवाल जो है, 8 से 10 सवाल जो है आप इन चार चैप्टरों से क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 8 तो कर ही सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री,
इनऑर्गेनिक की अगर बात करें, किसकी इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ये चैप्टर आपको अकेला ही 4 से 5 सवाल दे सकता है। पी ब्लॉक प्लस एस भी लेकर चलो, एस ब्लॉक तो छोटा सा, 2 ग्रुप है, है ना, छोटा सा, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज जो है इन 3 चैप्टर्स का इनऑर्गेनिक में, तो इनको तो निचोड़ लेना है। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, और बहुत जल्दी मैं आपको इसके केमिकल बॉन्डिंग के ही एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराने वाला हूँ, ड्रैगोस कंपाउंड का, है ना। चलिए ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक में तो सबसे बड़ी चीज तो जीओसी है। ऑर्गेनिक वाले पोर्शन की बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो जीओसी ही है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये टॉपिक है, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है, लिखी हुई है जीओसी पर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये मान लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कुछ नहीं, अगर ये नहीं आता तो ऑर्गेनिक कभी नहीं आ पाएगी। अगर जीओसी आपने नहीं पढ़ी है तो जीवन में कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं सीख पाओगे, और जीवन में कभी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे। हमेशा रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट का रट्टा ही मारते रहोगे सारी जिंदगी, जीवन भर। अगर ऑर्गेनिक सीखनी है तो जीओसी आनी चाहिए। अगर एरो घुमाना सीखना है, तीर कहां से कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उड़कर कहां जा रहा है, कौन किसको दे रहा है, कौन ले रहा है, कहां बॉन्ड बन रहा है, ये सारी कहानी अगर सीखनी है, कौन किससे रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन रिंग कहां से टूटेगी, कैसे टूटेगी, क्यों टूटेगी, कौन स्टेबल बनेगा, कौन अनस्टेबल बनेगा, कौन मेजर बनेगा, कौन माइनर बनेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जीओसी। और ये ना पढ़ा तो बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं है, तो भूल जाना, मतलब जीओसी नहीं पढ़ी तो ऑर्गेनिक मत पढ़ना, फिर जीवन में कभी पढ़ना ही मत, छोड़ ही देना, समझना आएगी बिल्कुल भी, कितना याद करोगे। अच्छा, जीओसी के बाद दूसरा एक ही टॉपिक में लूंगा बस, कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब ये तो चैप्टर का नाम नहीं है, इसके अंदर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, है ना, और एक और ले लो हल्का सा एरोमेटिसिटी वाला जो पोर्शन है, प्लस उसकी जो रिएक्शंस है, एल्डिहाइड, टोन, इनमें कुछ नेम रिएक्शंस है, एल्डोल, कैनिजारो, वो सब, है ना, कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये है मतलब मेरी साइड से कि अगर हम इन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को पर पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को भी बढ़िया तरीके से, गजब तरीके से एकदम अगर पढ़ें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मतलब एक स्कोर तक पहुंच सकते हैं, 140 तक पहुंचा जा सकता है ना, 140 प्लस तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन टारगेट 140 तो रखना नहीं है, टारगेट तो पूरा ही रखना है, तो इसलिए पढ़ने तो सारे ही हैं। तो इनका मतलब बस इतना है कि हमें ये चैप्टर ढंग से पढ़ने हैं, ये चैप्टर हमें क्या करना है, ढंग से पढ़ने, एक एक चीज पढ़नी है, डिटेल में पढ़ने, एक एक चीज और डिटेल में पढ़ने हैं, बाकी पढ़ना सब कुछ है, कंप्लीट सिलेबस करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, सिलेबस में से छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। चलिए तो यही डिस्कशन करना था मुझे इसके लिए, मतलब इस सेशन में, कि अपने को पढ़ना तो सब कुछ है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, तो और ये सब करनी, इन चैप्टर्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब इन चैप्टर्स में से हम लोग क्या कर चुके हैं, इन चैप्टर्स में से जीओसी अपनी स्टार्ट नहीं हुई ना, एरोमेटिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक का हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, ऑर्गेनिक का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम में केमिकल निपटा चुके हैं, आयनिक बचा हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग निपटा चुके हैं, और जो दूसरे टॉपिक है सॉलिड स्टेट हुआ या फिर जो दूसरे हैं वो भी आप लोग पढ़ चुके हो एक बार। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग यहाँ निपटा चुके हैं अरस्तु में, कोऑर्डिनेशन नहीं स्टार्ट हुआ, एसपी ब्लॉक अभी नहीं स्टार्ट हुआ, तो मतलब कुछ टॉपिक हम लोग इनमें से कर चुके हैं, बचा जो है वो है जो टॉपिक हो चुके हैं या जिनको आप लोग कर चुके हो या हम क्लास में कर चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस अभ्यास, वो तो हमारी आदत नहीं है,
अब आदत नहीं है तो फिर तो होगा नहीं। देख, अगर प्रैक्टिस की आदत नहीं डाली तो फिर तो चाहे 4 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हाथ लेगा बिल्कुल भी। तो सुधर जाओ और प्रैक्टिस पर लग जाओ, प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो यही डिस्कशन करना था। और वापस से एक बार मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं कि एग्जामपुर की तरफ से जितने भी गवर्नमेंट कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए, कई तैयारी करने के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज पर दिवाली के उपलक्ष्य में, जो कि 27 अक्टूबर तक लागू रहेगा, बस दिवाली के उपलक्ष्य में सभी पर 75% यानी कि 75% का प्रतिशत का ऑफर दिया जा रहा है। और इस डिस्काउंट के साथ तो मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा कोर्सेज का, नेग्लिजिबल, बहुत कम पैसे। इतने पैसे में आपको कोर्स मिल रहे हैं जितने पैसे में एक लोग, एक इंसान, दो इंसान मूवी देख के आते हैं अपना, वहां बर्गर सर्गर खाने के बाद इतना खर्चा एक मूवी में कराते हैं, उतने में आपको एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराने के लिए बढ़िया और शानदार फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो ये जानकारी थी मेरी साइड से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू। वो लिंक भी कर देना, ये दूसरे वाला भी, अभी दूसरी जब रिकॉर्डिंग होगी मैं आपको बोल दूंगा, अभी नहीं करनी है, तुरंत नहीं करनी है।